कि हेलो एवरीवन, आज 1 अगस्त को कोऑर्डिनेशन का हायरिंग राउंड था, तो इंटर्नशिप्स के लिए नेशन वाइड होता है, इसमें कई बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और इंटर्नशिप के लिए कम्पीट करते हैं। तो ये मैंने आज दिया था, तो इस पर मैं इसकी मतलब क्वेश्चंस की एक एडिटोरियल वीडियो बना रहा हूँ। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा इसमें, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस में कुछ टॉपिक्स इन्वॉल्व थे और उनकी नॉलेज की ज़रूरत थी, तो फिर मैं मतलब बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो अगर मैं सब कुछ एक्सप्लेन करने लगा। तो मैं बस टॉपिक्स के नाम बता दूंगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं उनमें से किसी पर वीडियो बनाऊँ आगे चल के, तो वो कमेंट में लिख दीजिएगा। और अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मेरे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स तो नहीं है, क्योंकि आई डोंट थिंक स्क्रीनशॉट वगैरह लेना अलाउड रहा होगा, बट मुझे मतलब काफ़ी हद तक याद है प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, तो मैं मतलब अपने मन से एवरेज स्टेटमेंट आपको एक्सप्लेन करूँगा सबसे पहले। तो हो सकता है कि प्रॉब्लम्स का जो ऑर्डर हो वो शफल्ड रहा हो सबके टेस्ट में, तो मैं अपने टेस्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, मतलब सीक्वेंस बताऊँगा 1, 2, 3 जो भी थे। तो मेरे सीक्वेंस में जो फर्स्ट प्रॉब्लम था उसमें हमारे पास एक स्ट्रिंग दी हुई थी, ऐसे कुछ भी एक स्ट्रिंग दी हुई है, और एक नंबर दिया हुआ है k। तो जैसे k इक्वल टू 3, 4 कुछ भी एक इंटीजर दिया हुआ है, और ये इंटीजर स्ट्रिंग की लेंथ से मतलब स्ट्रिंग की लेंथ से ज़्यादा नहीं होगा ये इंटीजर। और हमें क्या करना था कि एग्जैक्टली k कैरेक्टर्स को रिमूव करना था स्ट्रिंग से, और इससे मतलब काफ़ी सारी स्ट्रिंग्स बन सकती हैं, तो हमें वो वाली स्ट्रिंग बनानी थी जिसका जो मतलब लेक्सिकोग्राफिकली सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट हो। लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटेस्ट मतलब कि डिक्शनरी में सबसे बाद में आए। तो इसमें कैसे सोचेंगे, तो जैसे मान लीजिए k इक्वल टू 3 है, मैं इसी एग्जांपल में एक ड्राई रन टाइप को एक्सप्लेन करता हूँ। तो मेन आइडिया मेरे पास ये है कि जैसे फर्स्ट पोजिशन पर मैं जाऊँगा, तो फर्स्ट पोजिशन पर जितना बड़ा कैरेक्टर मैं रख सकता हूँ उतना बड़ा कैरेक्टर रखने की कोशिश करूँगा। कहने का मतलब, अगर यहाँ पे ए हटाकर मतलब जैसे मतलब यहाँ से कुछ कैरेक्टर हटाते हटाते अगर यहाँ पे जेड रखना पॉसिबल है, मतलब कि अगर इस फर्स्ट पोजीशन पे ये जेड रखना पॉसिबल है, तो जो ऑप्टिमल आंसर होगा उसमें जेड रखना ही रखना होगा, क्योंकि इस जेड को यहाँ पे रखे बिना हम लोग कभी भी इससे बेटर आंसर नहीं पा सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर जेड की जगह वाई रखें या एक्स रखें, तो जो मतलब जो भी आंसर आएगा वो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर हो जाएगा जेड रखने वाले आंसर से। तो इसलिए जेड रखना यहाँ पे कंपलसरी है अगर जेड को रखा जा सकता है। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि क्या यहाँ पे जेड को रख सकते हैं। तो जेड को रखने के लिए मुझे एग्जैक्टली 2 कैरेक्टर्स रिमूव करने पड़ेंगे, लेकिन k तो मेरा 3 है, तो क्योंकि k 3 है तो मतलब कि मैं 3 रिमूव कर सकता हूँ, और इसको यहाँ तक लाने के लिए मुझे 2 ही रिमूव करने पड़ेंगे, तो z को मैं ला सकता हूँ फर्स्ट इंडेक्स तक, तो इसलिए z को मैं ले आऊँगा। तो बस अच्छा, अगर z को ना ला पाता होता, अगर जैसे ये z, अगर अगर z मेरा बहुत आगे होता, या z होता ही नहीं स्ट्रिंग में, या बहुत आगे होता, जैसे यहाँ कहीं z होता और तो यहाँ पे x होता और यहाँ पे a होता, ठीक। तो अगर z बहुत आगे होता या z होता ही नहीं, तो z तो मैं यहाँ ला ही नहीं सकता हूँ। तो अब क्या करूँगा, अब मैं y को यहाँ पे लाने की कोशिश करूँगा, तो y भी स्ट्रिंग में है ही नहीं, तो y भी नहीं आ सकता, तो x को लाने की कोशिश करूँगा और x आ सकता है, तो x को ले आऊँगा। तो जो भी ग्रेटेस्ट कैरेक्टर को मैं ला सकता हूँ फर्स्ट पोजिशन पर, उसको मैं ले आऊँगा। उसके बाद मैं सेकेंड पोजिशन ऑनवर्ड्स वही काम करूँगा, तो बस इसी प्रोसेस को सिमुलेट करना है। तो इस प्रोसेस को सिमुलेट कैसे करेंगे, हाँ तो इस प्रोसेस को सिमुलेट करने के लिए हम ऐसा करेंगे कि जो जो हमारे पास कैरेक्टर्स हैं उनके लिए हम क्या करेंगे, 26 क्यूज बना लेंगे। क्यूज मतलब क्यूज या सेट बना के भी हो जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट बहुत बड़े नहीं थे, तो सेट से काम हो जाएगा, लेकिन मेन आइडिया ये है कि मैं 26 क्यू बनाऊंगा, और हर क्यू एक कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग होगी, जैसे ए बी सी डी डॉट डॉट जेड तक लेकर हर कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग एक क्यू होगी। उस क्यू में मैं स्टोर करूंगा कि किस किस इंडेक्स पे ये कैरेक्टर आता है स्ट्रिंग में, मतलब स्ट्रिंग में किस किस इंडेक्स पे ये कैरेक्टर प्रेजेंट है, और उसको मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखूँगा। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बिल्ड करना तो बहुत आसान है, बस स्ट्रिंग पे मैं एक लूप चलाऊंगा और जैसे जैसे कोई कैरेक्टर मिलता जाएगा उसको मैं क्यू में पुश करता जाऊँगा।
तो इस तरह मेरे पास 26 क्यूज बन जाएंगी, और हर क्यू में 26 मतलब जो 26 अल्फाबेट्स हैं सबकी पोजीशंस होंगी मेरे पास। तो अब मैं क्या करूँगा कि जब मैं किसी भी पोजीशन पे हूँ, अपनी जो आंसर वाली स्ट्रिंग है उसकी किसी भी पोजीशन पे हूँ, तब मैं क्या करूँगा कि मैं सबसे पहले जेड वाली क्यू में देखूंगा कि अगर ये खाली है तो कुछ कर ही नहीं सकता, मतलब कि जेड को मैं यहाँ पे नहीं रख सकता हूँ, मतलब कि स्ट्रिंग में रिमेनिंग एलिमेंट्स में जेड है ही नहीं। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, अगर जेड में एक भी एलिमेंट है तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से सबसे पहले वाले को ही यहाँ पे लाना एडवांटेजियस होगा ना, कि जैसे कि अगर मेरे पास यहाँ पे एक ए होता, फिर कुछ कुछ कैरेक्टर्स होते फिर जेड होता, फिर कुछ कुछ कैरेक्टर्स होते फिर जेड होता, तो इस वाले जेड को यहाँ लाना ही बेस्ट होगा ना। कभी ऐसा तो करूंगा नहीं इस वाले जेड को यहाँ लाऊं, क्योंकि अगर अगर ये ऑपरेशन मतलब रिक्वायर्ड होता अभी कि इस जेड को यहाँ लाना होता, तो इससे अच्छा मैं इस जेड को यहाँ लाता फिर इस जेड को यहाँ ले आता और उसमें सेम नंबर ऑफ मूव्स लगती, तो एटलीस्ट एक ऑप्टिमल आंसर ऐसे एग्जिस्ट करेगा जिसमें सबसे पहले जेड को मैं सबसे पहली पोजीशन पे ले आऊँ, अगर ऑप्टिमल आंसर में जेड को पहली पोजीशन में लाना है तो। जो क्यू का जो फ्रंट होगा उसको मुझे ले आना है अपनी करंट पोजीशन पर। तो अगर मेरी करंट पोजीशन जैसे यहाँ पे करंट पोजीशन है, तो जेड वाली क्यू में देखूंगा अगर फ्रंट को मैं यहाँ ला सकता हूँ तो मैं यहाँ पे ले आऊंगा, लेकिन अगर फ्रंट को नहीं ला सकता हूँ तो आगे वालों को भी नहीं ला पाऊंगा। फिर मैं क्या करूंगा, वाई को चेक करूंगा, एक्स को चेक करूंगा, करते करते कभी ना कभी कोई ऐसा कैरेक्टर मिल जाएगा जो इस पोजिशन तक आ सकेगा, तो उसको मैं इस पोजिशन तक ले आऊंगा। और फिर जैसे अगर मैं थर्ड पोजीशन पे रख रहा हूँ कोई नंबर और मैंने 17th पोजीशन वाला जो मतलब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे जेड को लाया यहाँ पर, और जेड को मैंने लाया और जेड खुद 17th पोजीशन पे था अगर, तो मुझे 3 से लेकर 17 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको उनकी करस्पॉन्डिंग क्यू में से निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब इनको मैं दोबारा यूज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मतलब मैं आगे बढ़ चुका हूँ। तो बेसिकली एक तरह का 2 पॉइंटर अप्रोच है, और साथ में 26 क्यूज मेंटेन करके, और इसको 26 सेट से भी कर सकते थे क्योंकि टाइम लिमिट बहुत ज्यादा मतलब टाइम लिमिट ठीक ठाक थी और कॉन्स्टेंट उतने बड़े नहीं थे। तो ये बेसिक आइडिया था प्रॉब्लम ए का, इम्प्लीमेंट आप खुद करके देख लीजिएगा और मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, वीडियो मुझे छोटी ही रखनी है। अब मैं प्रॉब्लम बी की बात करता हूँ, मतलब सेकंड प्रॉब्लम की बात करता हूँ। सेकंड प्रॉब्लम थी कि बेसिकली हमारे पास दो एरेज हैं, एक है फर्स्ट एरे, तो फर्स्ट एरे को मैं बस फर्स्ट एरे को एफ ए लिख दे रहा हूँ। तो हमारे पास एक फर्स्ट एरे है और हमारे पास एक सेकेंड एरे है, तो हमारे पास इस तरह दो एरे दी हुई थी, और हमें क्या करना था कि हमें कुछ कैरेक्टर्स इंसर्ट करने थे एफ ए में, मतलब फर्स्ट एरे में कुछ कैरेक्टर्स इंसर्ट करने थे, और कितने कैरेक्टर इंसर्ट करने थे, मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इंसर्ट करने थे। तो मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इंसर्ट करने करके मतलब हमारा गोल क्या था, गोल हमारा ये था कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर इंसर्ट करने एफ ए में, सच दैट जो सेकेंड एरे है वो एक सबसीक्वेंस बन जाए फर्स्ट एरे का। तो मतलब हमें हमें ऐसा चाहिए कि मतलब जो फर्स्ट एरे है उसका एटलीस्ट एक सबसीक्वेंस सेकेंड एरे बन जाए, और जो सेकेंड एरे है वो मतलब वो हमें दी हुई है उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, हमें फर्स्ट एरे में हम कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं और हमें मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐड करने हैं। तो अच्छा इसमें एक अच्छा इसके कॉन्स्टेंट्स ऐसे थे कि जो एन था जो मतलब कि जो साइज ऑफ फर्स्ट एरे या साइज ऑफ सेकेंड मतलब एन नहीं मतलब जो दोनों एरेज का जो साइज था वो स्मॉलर इक्वल टू 10 to power 5 था। ओके और एक एडिशनल कॉन्स्टेंट हमें ये दिया हुआ था जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना ये क्वेश्चन मतलब शायद ही सॉल्व हो पाता, मुझे नहीं लगता सॉल्व हो पाता। तो एडिशनल कॉन्स्टेंट हमें ये दिया हुआ था कि सेकेंड एरे के जो एलिमेंट्स हैं वो डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब कि सेकेंड एरे में कोई भी दो एलिमेंट सेम नहीं होंगे, और जो एलिमेंट्स हैं उनका कॉन्स्टेंट था मतलब 10 की पावर 9 से छोटे थे। तो खैर मेरे सोल्यूशन में तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसको मैं अभी अगर हटा ही दे रहा हूँ। तो बेसिकली हमारे पास दो एरेज हैं और उनमें कुछ एलिमेंट्स हैं, सेकेंड वाली एरे में सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं, हमें क्या करना है फर्स्ट एरे में मिनिमम नंबर ऑफ ऐसे एलिमेंट्स ऐड करने हैं कि जो एक जो सेकेंड एरे है वो फर्स्ट एरे का सबसिक्वेंस बन जाए, तो हमें ये करना था। तो ये करने के लिए पहली चीज़ दिमाग में क्या आती है कि जो फर्स्ट एरे है उसका कोई सबसीक्वेंस हम ले लें और सेकेंड एरे का कोई सबसीक्वेंस ले लें, और ये दोनों सबसीक्वेंस अगर मैच कर गए तो बस सेकेंड एरे के जितने एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं उनको हम ऐड कर देंगे फर्स्ट एरे में वापस। तो ये बेसिक आइडिया है, तो इसके लिए हमें लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस चाहिए होगा इन दोनों एरेज का।
तो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ और डीपी वाले में, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस चलता है ओ ऑफ एन स्क्वायर में। तो मतलब कि ओ ऑफ एन स्क्वायर मतलब अगर दो एरेज है उनका लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस चाहिए, तो अगर जो बड़ी वाली मतलब ओ ऑफ एम एन में चलता है, अगर मतलब जैसे एक एरे का साइज एम है दूसरे एरे का साइज एन है तो ऑफ ओ ऑफ एम एन में चलता है, और यहाँ पे एम और एन दोनों 10^5 है, तो अगर ओ ऑफ एम एन हम ट्राई करेंगे तो पक्का टाइम लिमिट एक्सीड होगी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस निकालेंगे इन दो एरे का बिना टाइम लिमिट एक्सीड किए। तो यहाँ पे मैंने बताया था सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट जो था वो ये था कि सेकेंड एरे के एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं। तो देखते हैं कि मैं इसको किस तरह यूज़ करूँगा, क्योंकि सेकेंड एलिमेंट के जो क्योंकि सेकेंड एरे के एलिमेंट सारे डिस्टिंक्ट हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ उनको नंबर कर सकता हूँ उनके पोजिशंस के बेसिस पे। जैसे कि अगर सेकेंड एरे मेरी होती 17, 9, 11, 3, 5 ऐसे कुछ होती, तो मैं क्या करता इन सारे एलिमेंट्स को एक एक आईडी दे देता। जैसे 17 को मैं 0 बोल देता, 9 को मैं 1 बोल देता, 11 को 2 बोल देता, इसको 3 बोल देता और इसको 4 बोल देता। तो मतलब कि बेसिकली इनकी इसकी जो इंडिसेस हैं वही मैं असाइन कर दे रहा हूँ इनको और एक मैप में स्टोर कर दे रहा हूँ। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा कि जहाँ जहाँ फर्स्ट एरे में भी जहाँ जहाँ 17 होगा वहाँ 17 हटा के मैं 0 रख दूंगा। फिर फर्स्ट एरे में जहाँ जहाँ 9 होगा वहाँ 9 हटा के मैं 1 रख दूंगा। फिर फर्स्ट एरे में जहाँ जहाँ 11 होगा वहाँ 11 हटा के मैं 2 रख दूंगा एंड सो ऑन। तो इस तरह मैं सारे एलिमेंट्स चेंज कर दूंगा फर्स्ट एरे के। अच्छा, और फर्स्ट एरे का अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो सेकंड एरे में पहले है ही नहीं, तो क्या करूँगा, तो फिर उसको मैं रिमूव कर दूंगा, मतलब कि ठीक है हटा दूंगा कि ये नहीं है। ओके, ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब मेरे पास फर्स्ट एरे में से मैंने कुछ एलिमेंट हटा दिए, जबकि एलिमेंट हटाना अलाउड नहीं था, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सब सीक्वेंस जब हम बनाएंगे तो उन एलिमेंट्स को हम वैसे भी नहीं लेंगे, तो हम मतलब इन्हीं एलिमेंट्स को तो लेंगे ना सब सीक्वेंस जब बनाएंगे, तो जो एडिशन करेंगे वो हम इन्हीं एलिमेंट्स का करेंगे और जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो यही वाले हैं, तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं जो इनमें से नहीं है उनको हम हटा सकते हैं। तो अब हमारे पास जो एक जो फर्स्ट एरे बचेगी वो हमारे पास कुछ मतलब 0 से लेकर m माइनस 1 तक का एक सीक्वेंस होगा। अगर मैं मान रहा हूँ कि सेकेंड एरे का साइज m है, तो 0 से m माइनस 1 का एक रैंडम सीक्वेंस होगा। ये हो सकता है 2 बार 0 आ जाएं, फिर 2 बार 2 आ जाएं, फिर 1, फिर 2, फिर 0, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो और सेकेंड एरे क्या होगी, सेकेंड एरे होगी 0, 1, 2, 3, 4 और जितना भी m है m माइनस 1 तक। तो ये दो एरेज होंगी। अब हमें इन दोनों एरेज का लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस चाहिए। तो थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करें तो इन दोनों एरेज का जो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस है, एक बार दिखाई देता हूँ इन दोनों का लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस क्या है। तो इनका लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस होगा 0, 1, 2। तो मतलब लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस की लेंथ 3 है, क्योंकि यहाँ पे भी 0, 1, 2 आ रहे हैं। तो क्योंकि जो सेकेंड एरे है उसके एलिमेंट्स मेरे पास डिस्टिंक्ट और सॉर्टेड है, सॉर्टेड इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर है क्योंकि, तो इसलिए इन दोनों का जो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस होगा वो एक्चुअली फर्स्ट एरे का लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस बन जाएगा। तो ये बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन थी और अब ये क्वेश्चन बहुत ट्रिवियल हो गया। अब हमारे पास बस क्या है, हमारे पास ये एक एरे दी हुई है और हमें इनका इनके एलिमेंट्स का लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस चाहिए। तो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस एन लॉग एन में मिल जाता है। तो इस पर मैं आगे चल के वीडियो बनाने वाला हूँ, जल्दी बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप लोग इसको सीपी एल्गोरिथम से पढ़ सकते हैं। 2-3 तरीके होते हैं, बेसिकली डीपी ही करी जाती है, लेकिन उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए या तो बाइनरी सर्च यूज करते हैं या फिर सेगमेंट ट्री या वैसा कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज करा जाता है, जिसकी मदद से ये एन लॉगिन हो जाता है। और एक और तरीका है वो एक सेट का यूज करके होता है, वो एक्चुअली बाइनरी सर्च वाले मेथड को ही एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट करने का एक तरीका है। तो बेसिकली डीपी के ही तरीके होते हैं, cplalgorithm.com पे मिल जाएंगे एन लॉगिन में, आप लोग सर्च कर लीजिएगा लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस इन ओ ऑफ एन लॉगिन। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। अब मैं आता हूँ थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन में। तो थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि हमारे पास एक एरे दी हुई थी और इसकी लेंथ थी 10^5 तक, मतलब कि इसका साइज 10^5 या उससे कम था, और फिर हमें 500 क्वेरीज दी हुई थी। ओके, तो क्योंकि मैं मतलब कुछ भी एक्सप्लेन करने से पहले मैं ये बता देता हूँ, 500 क्वेरी मतलब जब इतनी कम क्वेरीज होती हैं तो हमें देख के समझ जाना चाहिए कि जो एन क्यू टाइप के सॉल्यूशन होंगे वो चल जाएंगे, ओ ऑफ एन क्यू चल जाएंगे। तो मतलब कि कहने का मतलब अगर हम एक क्वेरी को ओ एन में सॉल्व कर सकते हैं, तो अगर हम
तो जो ओ ऑफ एन क्यू सोल्यूशन है वो चल जाएंगे, और अगर हम एक क्वेरी को ओ एन में सॉल्व कर सकते हैं तो हम हर क्वेरी को इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर सकते हैं बिना ज़्यादा दिमाग लगाए। तो ये करना था बेसिकली। ओके मैं क्वेश्चन तो बताने ही भूलिए। तो हमारे पास एक एरे है, इसका साइज जो है वो स्मॉलर इक्वल टू 10^5 है, फिर हमारे पास क्यू क्वेरीज हैं और ये क्वेरीज स्मॉलर इक्वल टू 500 है। तो अब हमें करना क्या था कि एरेज में कुछ एरे में कुछ एलिमेंट्स हैं ऐसे कुछ, तो एक क्वेरी में हमें ये करना था, एक क्वेरी में हमें चार इंटीजर्स दिए हुए थे, एल आर एस और टी। तो एल और आर क्या कर रहे हैं, एल और आर एक इंटरवल डिफाइन कर रहे हैं। तो जैसे कि जैसे अगर यहाँ एल यहाँ आर है तो वो इस रेंज को डिफाइन कर रहे हैं, मतलब एक इंटरवल डिफाइन कर रहे हैं एल और आर। उसके बाद एस क्या है, एस हमें एक लेंथ दी हुई है इस एल और आर वाली लेंथ से स्मॉलर या उसके बराबर। तो हमारे पास एस एक लेंथ है, एल और आर एक इंटरवल है और टी एक वैल्यू है। तो ये चार चीज़ें हमें दी हुई हैं क्वेरी में, और हम क्या चाहते हैं कि जितनी भी कॉन्टिन्यूस सब एरेज हों एस साइज की, जैसे कि अगर यही एल और आर होते हैं, मतलब कि एल इक्वल टू 1 और आर इक्वल टू 3 होता, तो एस क्या हो सकता है, एस 1, 2 या 3 हो सकता है। तो हमें क्या करना था कि एस साइज की सब एरेज लेनी थी, जैसे एस अगर 2 होता तो मतलब कि 2 साइज की सब एरेज। तो ये दो सब एरेज हैं 2 साइज की, कॉन्टिन्यूस सब एरेज चाहिए थी हमें एस साइज की। और हमें क्या करना था कि उन सब एरे का, जैसे कि आप जितनी भी कंटिन्यूस सब एरे हैं सारी बारी बारी पिक करेंगे, जैसे अभी मैंने मान लीजिए ये वाली कंटिन्यूस सब एरे पिक कर ली, अब इनके एलिमेंट्स का बिटवाइज एंड लेंगे। तो ये बिटवाइज एंड ऑपरेशन होता है, इसमें बेसिकली क्या करते हैं कि नंबर का बिट रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं फिर एंड ले लेते हैं, मतलब कि अगर दोनों नंबर में वो बिट ऑन हो तभी उसको ऑन मानते हैं। तो इस तरह बिटवाइज एंड लिया जाता है। तो हमें क्या करना है कि उसका बिटवाइज एंड लेना है। तो बेसिकली जो L से R वाली रेंज है उस रेंज में हमें हर S साइज की सब एरे चाहिए और हर सब एरे का बिटवाइज एंड ऑपरेशन चाहिए, और वो जो वैल्यू है उसको P बोलेंगे। तो हमें ये बताना है कि कितनी ऐसी सब एरेज हैं S साइज की L से R की रेंज के बीच में जिनमें P ग्रेटर इक्वल टू T होगा। तो वैसे तो बेसिकली मतलब क्वेश्चन यही था। तो इसमें एक डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, अगर वो डेटा स्ट्रक्चर आता हो तो और कुछ नहीं करना है, लेकिन उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बाद में मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो स्पार्स टेबल बोलते हैं, हो सकता है कुछ लोगों को आता भी, उन्होंने नहीं सोच पाया हो। तो बेसिकली स्पार्स टेबल क्या करती है कि रेंज क्वेरीज देती है, कोई ऑपरेशन उसमें पास सम हो या मिनिमम मैक्सिमम वगैरह हो, तो ओ ऑफ लॉग इन में ये एक रेंज क्वेरी दे देती है, जैसे कि एल से आर तक लेकर एल से आर तक हर एलिमेंट का सम मुझे बता सकती है या मिनिमम मैक्सिमम वगैरह बता सकती है। तो इसकी एक खासियत ये होती है कि अगर हम किसी आइडम पोटेंट ऑपरेशन के साथ इसको रन करें, जैसे आइडम पोटेंट मतलब होता है कि अगर ए डॉट ए इक्वल टू ए आ रहा है, तो अगर कोई ऐसा ऑपरेशन है जो ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ये प्रॉपर्टी कौन से ऑपरेशन फॉलो करते हैं, जैसे कि जीसीडी ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ये प्रॉपर्टी मेन मैक्स बिटवाइज और बिटवाइज एंड भी, लकीली बिटवाइज एंड भी इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इस प्रॉपर्टी को आइडम पोटेंस बोलते हैं। तो अगर ऑपरेशन इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता हो तो हमें एक क्वेरी ओ ऑफ वन में मिल जाती है, मतलब कि कॉन्स्टेंट टाइम में। तो अगर ये चीज़ अच्छा और प्री प्रोसेसिंग ओ ऑफ एन लॉग इन में होती है, तो वो तो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, तो एन लॉग इन में प्री प्रोसेसिंग हो जाएगी और इस तरह की हर क्वेरी ओ वन में सॉल्व हो जाएगी। तो अब अगर ये चीज़ आती है ये चीज़ ना आती है तो इसको आप पढ़ सकते हैं सीपीएल एल्गोरिथम से, अगेन सीपीएल एल्गोरिथम .com पे दिया हुआ है स्पार्स टेबल के बारे में भी। तो अगर ये चीज़ आती है तो फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है, सिंपल सिमुलेशन करना है। कहने का मतलब कि हमारे पास एरे है, हम हर क्वेरी के लिए मैंने स्पार्स टेबल पहले बिल्ड कर ली, और स्पार्स टेबल मुझे क्या करेगी, एक कोई भी अगर मैं उसको रेंज दे दूँ एक्स कॉमा वाई, तो उसका बिटवाइज एंड मुझे दे देगी ओ ऑफ वन टाइम में। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सारी सब एरेज लूंगा एल से आर के रेंज के बीच में, जो एस साइज की जितनी भी सब एरेज थी वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, एन से ज़्यादा नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर मैं केवल एक स्टार्टिंग इंडेक्स डिफाइन कर दूँ तो एक सब एरे डिफाइन हो जाएगी, और स्टार्टिंग इंडेक्स केवल एन अलग अलग हो सकती हैं, तो एक ऑपरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा एन सब एरेज हो सकती हैं। तो मैं हर सब एरे के लिए इस ऑपरेशन से सिंगल मतलब ओवन टाइम में निकाल लूंगा कि उसका बिटवाइज एंड कितना है, और हर को चेक कर लूंगा कि वो टी से बड़ा है कि नहीं,
अगर है तो काउंट प्लस प्लस करके काउंट को प्रिंट कर दूंगा। तो बस यही था कोऑर्डिनेशन के हायरिंग टेस्ट में, यही 3 सवाल थे। और तो जो जो टॉपिक्स इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं, जो कि मतलब मैंने चैनल पे पहले नहीं डिस्कस किए हैं, उन पे से कुछ कुछ पे मैं आगे चल के वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं बनाऊँ तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि ये टॉपिक की में दिक्कत हो रही है ऐसा कुछ। और तो बस आज के लिए इतना ही, एंड पीस आउट।